यहाँ तक आपके ये क्विक सिलेक्शन के टूल आ गए थे, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन में आपके पास लास्ट टूल है मैजिक वैन टूल। ये जो आपके हाई कंट्रास्ट कलर होते हैं उनको सिलेक्ट करने में मदद देता है। जो जो कलर इसको मिलेंगे ये इनको चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ से देखें, या अगर आप यहाँ पे करते हैं तो जो कलर सेम कलर होगा या मैचिज कलर होगा उसको ये जो है वो चेंज कर सकता है या उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये पूरे का पूरा कलर इसने सिलेक्ट कर लिया, इसको भी इसने पूरा कलर सिलेक्ट कर लिया। तो अक्सर जब हम किसी ऐसी इमेज पे काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं होते, दो तीन कलर होते हैं, और उनके कलर हमने अगर चेंज करने हैं तो उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। बल्कि इसको हम थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल की तरफ ले जाएंगे। कंट्रोल ओ करके मैं एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई ऐसी पिक्चर हो कि जिसमें हमारे पास ज़्यादा कलर ना हो। ये देखें, ये एक पिक्चर है और इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कलर नहीं है। कलर तो हैं, लेकिन ये कि हम अगर इसका कोई एक सिलेक्टेड कलर यूज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इसका ये जो बैकग्राउंड है इसको चूज़ करना है। ठीक है, तो इसको मैं इसको जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आपकी कोई सिलेक्शन रह जाती है तो आप शिफ्ट करके दोबारा इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये पूरा कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। और अब आप यहाँ से इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस इमेज को कलर दे सकते हैं। ठीक है जी, इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो मैंने चेंज कर दिया। मज़ीद आप जो है वो इसको करेंगे, दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये कुछ कलर है, इस पर भी हम जो है वो अल्टर बैक स्पेस करेंगे। सॉरी, ये सारे पे आ गया, तो ये उस कलर को भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैजिक वैन टूल है, ये जो कलर वेरिएशन होती है उसको सिलेक्ट करते हुए, उसको रीड करते हुए ये आपके कलर को सिलेक्ट करके बता देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके आ गए जी सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल के बाद अभी हम चलते हैं ज़रा सा एक और चीज़ करते हैं। इसको मैं सबको जो है वो बंद कर देता हूँ। अब एक प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं जो कि टेक्स्ट के ऊपर है, और उसको आपने मज़ीद गौर से देखना है कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, इन सबको मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं जाऊंगा फाइल में, फाइल में जाने के बाद न्यू, यहाँ पर मैं एक कस्टम साइज़ दे दूंगा 1600 और बाय 1600 बाय 800, और यहाँ पर पिक्सल जो है वही मैं 72 रेजोल्यूशन रख दूंगा। ठीक है, आरजीबी मोड पे रखूंगा, और यहाँ से जो कलर है इसका मैं वाइट ही रख लेता हूँ, बल्कि बैकग्राउंड कलर भी मैं चूज़ कर सकता हूँ, और ओके कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो है वो इस बैकग्राउंड को जो मैं कलर दूंगा वो है मेरा लेयर पैनल में ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है वो पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड का लेयर मेरे पास आ गया है। मैं यहाँ से पेंट बकेट टूल ले लूँगा। पेंट बकेट टूल लेकर मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट टूल मैं ले लूँगा, क्या लूँगा, टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले इसकी साइज़ और यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कलर मैं आपको बताता जाता हूँ कि कलर आपने इसका
क्या जो है वो रखना है। ये देखें, ये RGB को हमने चेंज करना होता है। किसको चेंज करना होता है? RGB को हमने चेंज करना है। सबसे पहले ये जो है मैं कलर ले लेता हूँ। ये पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख लें कि पहला जो कलर हमने लिया था उसमें कौन से हमने R पे क्या रखा था, G पे क्या रखा था। नोट करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर कभी आप भूल भी जाते हैं या प्रैक्टिकल करते हुए आपको जहन में नहीं आता तो आप उसे दोबारा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे 246 और जी को हम रखेंगे 238 और इसको हम रखेंगे 193। ठीक है जी, ये कलर हम ले लेंगे और इसको ओके कर देंगे। नोट कर लिया, आर लिखकर नोट कर लें, R246, G238 एंड B193। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी EA। क्या लिखा मैंने? EA। ठीक है, इसको मैं यहाँ से देखें इसको जो है बड़ा कर देता हूँ। मूव टूल की मदद से मैं डायरेक्टली इसको जो है वो बड़ा कर सकता हूँ, इस तरीके से एंगल पकड़ के। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैंने सेट किया, मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि मज़ीद आपको ये सही तरीके से नज़र आए। ये मैंने ले लिया, ये लेने के बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब यहां से जो है वो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इस लेयर के ऊपर। इसके ऊपर लेयर के ऊपर मैं करूंगा राइट क्लिक और यहां से इसको कर दूंगा डुप्लीकेट लेयर। कौन सा लेयर? डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर ये की कॉपी बन गई, इसको मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके करने के बाद मैं करूंगा इसके ऊपर राइट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक नहीं करूंगा, यहाँ पर देखें FX लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है? इसको कहते हैं एड अ लेयर स्टाइल। ठीक है, जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ आ रही होगी, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। क्या आ रहे हैं? ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं जो है वो इसको दे दूंगा यहाँ से बेवल एंड एम्बोज। क्या कर दूंगा? बेवल एंड एम्बोज कर दूंगा। ठीक है, बेवल एंड एम्बोज यहाँ से ये इनर बेवल। ठीक है, और यहाँ से जो स्मूथ आ रहा है टेक्निक्स को मैं चेंज कर दूंगा, स्मूथ के बजाय मैं इसको कर दूंगा चेसल हार्ड। क्या कर दूंगा? चेसल हार्ड कर दूंगा। ठीक है, इसकी डेप्थ जो है एक मिनट, इसकी जो इनर बेवल मैंने कर दिया, चेसल हार्ड कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ये मैं इसको रखूँगा 40, नहीं 170। इसकी डेप्थ में रखूंगा 170। क्या रखूंगा? 170। ये चीज़ें नोट कर लें, ये जहन से निकल गई तो फिर काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और साइज़ रख दूंगा 42। क्या रखूंगा? साइज़ रखूंगा 42। और यहाँ से एंगल ये आपका ठीक है, 120 के ऊपर रखना है। एंटी अलाइज्ड इसको आपने जो है वो टिक कर देना है। यहाँ से ग्लोस काउंटर जो आपने है यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो है इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद बाकी ये ठीक है, ओपेसिटी 75 है। ठीक है, ओके है जी। यहाँ पर एक चीज़ और जो है वो हमने करनी है, इसको हमने देना है इनर ग्लो। क्या देना है? इनर ग्लो। ठीक है, इनर ग्लो में हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रीन को हम रखेंगे मल्टीपल। क्या रखेंगे? मल्टीपल। ठीक है, ओपेसिटी इसकी जो है क्या है, ये ओपेसिटी, ओपेसिटी हम कर देंगे 50। क्या कर देंगे? 50। यहाँ से हम कलर जो है वो चूज कर लेंगे, बल्कि नहीं, एक 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 और ऑप्शन जो है वो मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा बैक होना पड़ेगा। ठीक है,
बैक करने के लिए ये है कि मैं बेवल एंड इम्पोज करने से पहले इसको एक चीज़ कर लेता हूँ, ग्रेडिएंट ओवरली। क्या? ग्रेडिएंट ओवरली, ठीक है। ग्रेडिएंट ओवरली में जाकर यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये कलर चूज़ करना है। ये कलर आएगा मेरा 193 एंड 172। ये भी नोट कर लें, 172 एंड 81 नोट कर लें, RGB कलर नोट कर लें। ये बाद का कलर है, एक हमने किया था वो स्टेप आपका अलग था, ये जो स्टेप है ये अलग है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर भी मैं जो है वो बल्कि नहीं, एक मिनट, ये गोल्डन मैंने यहीं से कर लिया, असल में इसको मैंने वही करना है 246, ठीक है। दोबारा करें इसको ज़रा, 238 और ये 81 173, ठीक है 173, ये यहाँ पे रखना है। और यहाँ पर इस ऑप्शन पर डबल क्लिक करके इसको आपने फिर चेंज करना है 1793 172 एंड 81, ठीक है। ओके करके अब ये है कि ये आपने कलर, मैंने वैसे पहले ही एक सेव किया हुआ था, लेकिन इसको भी मैं दोबारा यहाँ से नाम दे देता हूँ न्यू गोल्ड का, ठीक है। न्यू गोल्ड करके मैं इसको सेव, सेव करने का ये फ़ायदा है कि आप उसे जब भी इस्तेमाल करना चाहेंगे कर सकेंगे, ठीक है। इसको ओके कर दूंगा और यहाँ से ये जो लीनियर आ रहा है, इस लीनियर को मैं कर दूंगा रिफ्लेक्टेड। क्या कर दूंगा? रिफ्लेक्टेड कर दूंगा, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं जाऊंगा बेवल एंड एम्बोज पे, और बेवल एंड एम्बोज पे मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई कर दी थी, मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अब देखें, मैंने एक मेरा ओरिजिनल लेयर था और दूसरा था मेरा कॉपी किया हुआ लेयर, ठीक है। तो अब ये जो चेंजिंग मैंने लाई है, ये मैंने लाई है कॉपी किए हुए लेयर पे, ठीक है। तो मैं ओरिजिनल लेयर पे राइट क्लिक करूँगा, सॉरी ओरिजिनल लेयर पे जाऊँगा और इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इस पर जो है वो अप्लाई करूँगा स्ट्रोक। क्या अप्लाई करूँगा? स्ट्रोक, ठीक है। और यहाँ से स्ट्रोक में जो कलर आ रहा है इसको रख दूंगा ग्रेडिएंट, और यहाँ पर ग्रेडिएंट पर क्लिक करके मैंने जो कलर बनाया हुआ था गोल्डन का, इसको बंद कर दें, जो गोल्डन कलर मैंने बनाया था मैं उसी पे दोबारा इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आउटसाइड ही रखूँगा और ये जो इसकी साइज़ है इसको मैं रख दूँगा 8। क्या रखूँगा? 8 रखूँगा, ठीक है। 8 रखने के बाद बाकी सारी चीज़ें वही हैं और इसको मैंने करना है, बल्कि यहीं से मैं दोबारा बेवल एंड एम्बोज पे चला जाऊँगा। ये जो इनर बेवल आ रहा है इसको मैं कर दूंगा स्ट्रोक एम्बोज। क्या कर दूंगा? स्ट्रोक एम्बोज कर दूंगा, ठीक है। स्ट्रोक एम्बोज करने के बाद यहाँ पे जो इसकी डेप्थ आ रही है इसको मैं चेंज करूँगा, इसको मैं रखूँगा तकरीबन 40%, और साइज जो है वो मैं रखूँगा 57%, ठीक है। और यहाँ से भी मैं इसको भी यही कर दूंगा, और यहाँ से स्मूथ के बजाय इसको भी चेसल हार्ड कर दूंगा, ठीक है। अब ये आपका जो है वो एक गोल्डन टेक्स्ट जो है वो बन गया, ठीक है जी।